कोरोना वायरस को लेकर किए गए एक अध्ययन में वैज्ञानिकों उत्साहजनक परिणाम हासिल हुए हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि शुगर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा मेट्रोफॉर्मिन में कोरोना वायरस से होने वाले फेफड़ों के संक्रमण के इलाज के लिए सकारात्मक परिणाम मिले हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं के अध्ययन को इम्यूनिटी जर्नल में ऑनलाइन प्रकाशित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि शोधकर्ताओं की टीम ने कोविड 19 से संक्रमित चूहों के ऊपर मेटाफॉर्मिन का परीक्षण किया तो पाया कि ये फेफड़ों की सूजन को रोकता है। चूहों पर किया गया अध्ययन। शोधकर्ताओं ने इसके लिए एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के चूहों के मॉडल का इस्तेमाल किया है। ये सिंड्रोम एक खतरनाक स्थिति है जिसमें फेफड़ों में लिक्विड लीक हो जाता है, जिससे सांस लेने में समस्या आती है और आवश्यक अंगों को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंच पाती है। यहाँ ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि कोविड 19 से अस्पताल में भर्ती रोगियों में मौत के लिए ARDS प्रमुख वजह है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि बैक्टीरियल निमोनिया के लिए एक सरोगेट बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन के संपर्क में आने से पहले या बाद में चूहों को मेटाफॉर्मिन दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप ARDS की शुरुआत और इसके लक्षणों में कमी आई है। जर्नल में शोधकर्ताओं ने बताया है कि बैक्टीरियल निमोनिया के लिए एक सरोगेट बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन के संपर्क में आने से पहले या बाद में चूहों को मेटाफॉर्मिन दिया गया, दवा देने वाले चूहों में ARDS की शुरुआत और इसके लक्षणों में कमी आई। मेटाफॉर्मिन ने एंडोटॉक्सिन से समस्या वाले चूहों में मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी का उत्पादन किया है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।